फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जिस वर्ष भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था उसे बनाने के लिए निम्नलिखित संख्याओं को एक सही क्रम में लगाएं। Arrange the following numbers to form the year in which India celebrated its first Republic Day. Ready? और आपके ऑप्शंस आ रहे हैं और वो ऑप्शंस ये रहे आपके सामने A0, B1, C5, D9, A0, B1, C5, D9। समय समाप्त हो गया, आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है B1, एक, फिर आता है D9, फिर आता है C5, 5 और अंत में है A0। 1950 1950 में रिपब्लिक डे मनाया गया था पहली बार 1950। अब देखते हैं BDCA में किन जूनियर्स ने सही क्रम में उत्तर दिया। दो तीन को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? और जूनियर संजय मेरे सामने हम सीट पर आ गए हैं अक्षय आनंद, जिनकी उम्र है केवल 11 वर्ष की और ये दरभंगा बिहार से है और ये छठी कक्षा में 6th स्टैंडर्ड में ये पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं अपने साथ? मेरे पापा हैं। आपके पिताश्री आए हुए हैं, आपका प्रणाम सर आपका और बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार तालियां बज जाए इनके लिए। ऑलराइट अक्षय, अब जल्दी से ये जो खेल के नियम है, रूल्स है ना, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, आपके बगल में एक पेड़ बना हुआ है जिसे एक एक करके प्रश्न है लिखे हुए। ओके अक्षय, अगर आप कहीं अटक जाए, यानी कि कहीं आपको लगे कि इसका उत्तर हमको नहीं मालूम है, आपके पास 3 लाइफ लाइन है। पहली वाली है ऑडियंस पोल, दूसरी लाइफ लाइन का नाम है ज्ञानास, ये दूसरी लाइफ लाइन, ये अगर आप लाइफ लाइन लेंगे तो जो प्रश्न आपके सामने आया गया है ना उसको आप बदल सकते हैं। कैसे बदला जाएगा, कैसे होगा, वो जब आप वहां पहुंचेंगे आपको हम समझा देंगे, लेकिन वो प्रश्न जो है वो बदला जा सकता है ये लाइफ लाइन लेकर। तीसरी लाइफ लाइन है आज द एक्सपर्ट, एक हमारे खेल में एक एक्सपर्ट होते हैं हर बार, तो उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका जवाब भी आंसर भी मांग सकते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सपर्ट है ना आज हमारे साथ, उनका हम परिचय दे दें आपको। तो देवेंद्र संजो हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं उनका नाम है ऋचा अनिरुद्ध जी, कई बार वो हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं। ऋचा जी आ गए, ये देखिए। तो ऋचा जी एक बार फिर आपका स्वागत हमारे सामने। अच्छा है, अगर आप चाहें तो आशीर्वाद दे दीजिए अपना। ऑल द बेस्ट, और कोशिश करूंगी कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, खूब कॉन्फिडेंटली खेलना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋचा जी। तो भाई साहब ऐसा है कि रुपए के बजाय हम पॉइंट्स बोल रहे हैं, क्योंकि अभी आप 18 वर्ष के हुए नहीं, तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट्स। ये पॉइंट्स जितना भी आप जीतेंगे ना वो जमा हो जाएगा, जब आप 18 वर्ष की उम्र पर पहुंचेंगे ना तो वो रुपए में बदल के आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ओके, ऑलराइट, जनरल लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति? पहला प्रश्न आ रहा है आपके इस खेल में, 1000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। साइकिल में आप आमतौर पर किस हिस्से के पास ब्रेक दबाएंगे? वॉल साइकिलिंग, नियर विच ऑफ दीज वुड यू यूजुअली प्रेस द ब्रेक्स? ऑप्शन सुनिए, ए क्रॉसबार, बी सीट, सी पेडल्स, डी हैंडल। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी हैंडल। डी हैंडल पे ताला लगाने के लिए कह रहा है अक्षय, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे चलते हैं भाई साहब, ये आएगा दूसरा प्रश्न, रेडी? 2000 पॉइंट्स, दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। पंचतंत्र इनमें से किसका एक संग्रह है? द पंचतंत्र इज अ कलेक्शन ऑफ विच ऑफ दीज? ऑप्शंस ए रेसिपीज, बी ट्रीटमेंट, सी स्टोरीज, डी गेम्स। रेसिपी, उपचार,
कहानियाँ या खेल? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी स्टोरीज। स्टोरीज सी पे लगा दीजिए ताला। ये भी सही जवाब दिया। 2000 पॉइंट्स हो गया। तीसरा प्रश्न आ रहा है, रेडी? अच्छे, यस सर। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सलमान खान अभिनीत इन फिल्मों के नाम कौन सा जानवर पूरा करता है? एक था डैश और डैश जिंदा है। ओके, व्हाट एनिमल कंप्लीट्स द नेम्स ऑफ दीज मूवीज स्टारिंग सलमान खान? एक था डैश एंड डैश जिंदा है। ऑप्शन सुनिए, ए टाइगर, बी ईगल, सी जैकल, डी लायन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए टाइगर। ए टाइगर पे कह रहे थल लगा जाए। देखो सही जवाब दिया है। भाई आपको 3000 पॉइंट दे दिया है। ओके, आगे चलते हैं। अक्षय चले आगे। हाँ। चौथा प्रश्न, 5000 पॉइंट्स ये रहा आपके पास। इनमें से कौन सा शहर उस राज्य की राजधानी है जिसकी सीमा बिहार से लगती है? समझ गए? Yes. Which of these cities is the capital of a state that shares its border with Bihar? Options A. Bengaluru, B. Ranchi, C. Shimla, या D. Mumbai? बिहार से उसकी सीमा मिलती है। सर प्लीज लॉग ऑप्शन बी रांची। बी पे कह रहे ताला लगाने के लिए। यस इज द राइट आंसर। अब आ गया पहला पड़ाव। अच्छे, इसके लिए मिलेंगे आपको 10,000 पॉइंट। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टोनी स्टार्क कौन सा सुपर हीरो बनने के लिए एक सूट पहनता है? टोनी स्टार्क वेयर्स अ सूट टू बिकम विच सुपर हीरो? ऑप्शन देता हूं सुपर हीरोज के। ए बैटमैन, बी स्पाइडरमैन, सी आयरन मैन, डी द हल्क। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी आयरन मैन। श्योर है? यस सर। सी आयरन मैन, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। रिपोर्ट कार्ड छाप दीजिए जरा, ये देखिए, ताली बज जाए इनके लिए। रिपोर्ट कार्ड आ गया इनका। ये है अक्षय आनंद, और दो ठो उंगली ऐसे किया हुआ उन्होंने तो बताने के लिए कि आई एम कूल। एक ऑल्सो नोन एज पीजे कुमार। पीजे कुमार मतलब आप कुछ बहुत ही पुअर जोक्स करते हैं अक्षय। कहते हैं कि मैं फालतू जोक्स करता हूँ। तो सुना दीजिए हम आपको। कौन सी ऐसी चीज है जो ब्लू है लेकिन भारी नहीं है? सोचिए सोचिए। ब्लू है लेकिन भारी नहीं है मतलब? हमको नहीं मालूम भाई साहब। लाइट ब्लू। ये जो मिला है ना आपको टाइटल, बिल्कुल सही मिला है। क्या बताएं आपको बस। सर एक और जोक सुनाता हूं। अरे भगवान। अगर शर्ट पे चाय गिर जाए तो उसे क्या करेंगे? पहुंच देंगे। सर बहुत इजी है, टी शर्ट। हम आपको सुनाए जो ये सुनाइए। अच्छा सुना। तीन ठो छिपकली, छिपकली मालूम है ना? हाँ। ओ, दीवार पे चलती। हाँ, है हाँ। तीन ठो छिपकली वहां दीवार पे चिपकी हुई थी। दो छिपकली ने इससे बोला एक जोक सुना। जैसे ही इस छिपकली ने जोक सुनाया वो जो दो छिपकली थी वो गिर गई। क्यों गिरी? नहीं पता, आप ही बताइए। क्योंकि वो ताली बजा रही थी। All right.
डॉक्टर जी, बहुत सी इधर-उधर की बातें हो गई। आप जिस कारण के लिए यहाँ पर बैठे ना, उस ओर अब ध्यान दिया जाए। अब आपने पहला पड़ाव जो है वो पार कर लिया है। Yes, sir. 5 प्रश्नों का सही उत्तर देकर 10,000 पॉइंट्स आ गए आपके पास। अब यहाँ से आपको आगे बढ़ना है। Yes, sir. छठा प्रश्न, 20,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी संख्या 7 और 8 से विभाजित होती है? Which of these numbers is divisible by 7 as well as 8? ऑप्शन सुनिए। ए 64, बी 56, सी 49, डी 63। ओके सर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी 56। बी पे धन लगाने के लिए कह रहे हैं। यस इज द राइट आंसर। ऑलराइट अच्छे, अब अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए और जीतिए 40,000 पॉइंट्स। ओके यस सर। सातवां प्रश्न, अक्षय जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप एक आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल और टेस्ट ट्यूब का उपयोग कर रहे हैं तो आप इनमें से कौन सा विषय पढ़ रहे हैं? इफ यू आर यूजिंग अ पीरियोडिक टेबल एंड अ टेस्ट ट्यूब, व्हिच ऑफ दीज सब्जेक्ट्स आर यू स्टडीइंग? ऑप्शन सुनिए। ए केमिस्ट्री, बी जियोग्राफी, सी इकोनॉमिक्स, डी हिस्ट्री। रसायन विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र या इतिहास? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए केमिस्ट्री। ए केमिस्ट्री पे कह रहे हैं, ताल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब आगे है आठवां प्रश्न। हाँ जी, आपको एक बात कहनी थी। हाँ जी। आपकी एक जो नई रिसेंट वाली एक मूवी है ब्रह्मास्त्र, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। Okay. उसमें आपकी एक्टिंग और आपका वो हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा था। और ज्यादा सरप्राइज तो करना हो गया जब मैंने देखे इतने सारे अस्त्र हैं, वानर अस्त्र, नंदी अस्त्र, अग्नि अस्त्र, ये सब देख के मुझे बड़ा मजा आया। आपको कौन सा अस्त्र पसंद लगा? मुझे अगर मुझे वो अस्त्र लेना रहता ना तो मैं टाइम ट्रेवल लेता। टाइम ट्रेवल एक्चुअली कुछ दिन पहले रिसेंटली मेरी माय मॉम हैज पास्ड अवे। ओह आई एम सो सॉरी। उनको कैंसर था तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, इसलिए वो अपने ट्रीटमेंट के लिए वाराणसी में रहती थी और मैं पापा के साथ दरभंगा में रहता था। तो वही टाइम ट्रैवल करके मैं मम्मी से मिलने जाता। अक्षय काश कि ये संभव हो पाता, लेकिन आपको हम बता दें कि आपकी मम्मी जो है वो ऐसी जगह पर है जहां से वो आपको देख सकते हैं। Yes, sir. और उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है और आज आप यहाँ जहाँ बैठे हैं वो उन्हीं के आशीर्वाद से आज आप यहाँ बैठे। उनका प्यार, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद आपके साथ। खूब बढ़िया खेलिएगा ताकि वो आपसे खूब खुश हो जाए। Okay, sir. खुश तो वो है आपसे, लेकिन और भी खुश आप कर सकते हो, है कि नहीं? Yes, sir. और ओके okay. सर जोक सुनाना। एक और जोक सुनाएंगे आप? ओके नाग पंचमी फेस्टिवल है, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो नाग पंचमी का अपोजिट क्या होगा? कान पंचमी? नहीं सर, मैं बताऊं? हाँ। नाग पंचमी, नाग डोंट पंचमी। बहुत सुन करके आपको ये टाइटल मिला है पीजे कुमार। आगे चलते हैं। राइट, अब आएगा आपके सामने आठवां प्रश्न और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 80,000 पॉइंट्स। रेडी? आठवां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्षय
अच्छा ये एक वीडियो प्रश्न है, आपको एक वीडियो दिखा करके दिखाएंगे, उसके बाद ये प्रश्न पूरा जाए। पहले प्रश्न सुन लीजिए। अच्छा प्रश्न। इस जानवर को पहचाने जो द लायन किंग फिल्म में दिखाई दिया था। ओके यस सर। आइडेंटिफाई दिस एनिमल दैट इज ऑल्सो फीचर्ड इन द मूवी द लायन किंग। कैन यू सी द वीडियो प्लीज? ऑप्शन सुनिए। ए हॉर्नबिल, बी मीरकैट, सी विल्डबीस्ट, डी बबू। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी मीरकैट। बी मीरकैट पे धर लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। $80,000 जीत लिए आपने। अच्छा well done। मीरकैट जो है वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। यस सर। हैं और हालांकि हैं चार पैर उनके, चलते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन जब अपने शिकार को देखना हो तो ब्रिप ऐसे खड़े हो जाते हैं, है ना? अभी देखा होगा आपने वीडियो में, पीछे खड़ा था ऊपर। ऑलराइट, तो ये जो वीडियो क्लिप देखा आपने देवी संजो, ये हमें सोनी बीबीसी अर्थ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। ओके अक्षय, अब आ गया आपके सामने नवा प्रश्न, 160,000 points। ओके रेडी? नवा प्रश्न अक्षय जी आपके सामने ये रहा। किस भारतीय ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में क्रिस गेल के सबसे अधिक छक्के मारने के रिकॉर्ड को 2023 में तोड़ा? इन 2023 विच इंडियन ब्रोक क्रिस गेल्स रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ऑप्शन सुनिए। ए विराट कोहली, बी केएल राहुल, सी हार्दिक पांड्या, डी रोहित शर्मा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी रोहित शर्मा। डी रोहित शर्मा था लगा जा, ताली बज रही है पहले से ही। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वेल प्लेड। क्रिकेट वगैरह खेलते हैं? यस सर। क्या बॉलिंग करते हैं बैटिंग? सर दोनों। दोनों करते हैं। हाँ आप चाहेंगे कभी आप इंडिया के लिए खेलें? यस सर। ऐसा नहीं है मन में विचार? सर पहले था। क्यों? सर क्योंकि पता चला कि उसके लिए भैंस का दूध पीना पड़ता। भैंस का दूध। अब आपसे हम और ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेंगे, न जाने कौन सा तीर आप फेंक दें उधर से। ऑलराइट भाई साहब, अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है ये, है ना? ये है 10वां प्रश्न 320,000 points का। और यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी आते हैं उनको हम एक चेतावनी देते हैं कि देखिए इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। ओके ऑलराइट, 10वां प्रश्न 320,000 points आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। हरियाणा में बनावली और पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो के स्थल ऐसी पुरातन सभ्यता से हैं जिसका नाम किस नदी के नाम पर है? बनावली इन हरियाणा एंड मोहनजोदाड़ो इन पाकिस्तान हैव साइट्स बिलोंगिंग टू एन एंशिएंट सिविलाइजेशन नेम्ड आफ्टर विच रिवर। ऑप्शन सुनिए। ए गंगा, बी इंडस, सी कृष्णा या डी ब्रह्मपुत्र। गंगा, सिंधु, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी इंडस। शोर है, लगा दे ताला। यस सर। बी इंडस पे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया आपने। इसका नाम रखा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए पड़ा क्योंकि इसके कई स्थल इंडस नदी पर स्थित है। बिल्कुल सही जवाब दिया। 320,000 points बोलना चाहिए। और भाई साहब ये चेक आ रहा है 320,000 points आपके नाम। तो ये है संकेत हमारे सुपर संदूक का। सुपर संदूक के बारे में तो आप जानते हैं। अब ये बताइए कि मैं हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? सर हिंदी। हिंदी में। ओके
तो चलिए प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। अच्छा आनंद जी, तैयार हो जाइए, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। 1857 के स्वतंत्रता सेनानी का नाम पूरा करें। डैश टोपी। सर बी तांतिया। तांतिया सही। नेक्स्ट, इनमें से किस खेल में दौड़ते हैं शतरंज, तीरंदाजी? मैराथन। मैराथन करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक प्रकार का सॉफ्टवेयर भी है, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरस? सर एंटीबॉडी। एंटीबॉडी रॉन्ग हो गया। कौन सा शब्द इन जानवरों के नाम पूरा करेगा? जायंट डैश और रेड डैश। पांडा, व्हेल, लायन, शार्क? सर पांडा। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सुपर हीरो आमतौर पर मास्क नहीं पहनता है? डेडपूल, ब्लैक पैंथर, सुपरमैन, डेयरडेविल? सर सुपरमैन। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे? अर्जुन, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत? अर्जुन। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किसकी चीन के साथ कोई भूमि सीमा नहीं है? सर फ्रांस। म्यांमार। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द अन्य तीन का विलोम है? मोहब्बत, नफरत, प्यार, प्रेम? नफरत। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या संख्या 50 को दर्शाता है? हाफ सेंचुरी। हाफ सेंचुरी। करेक्ट। नेक्स्ट, किसके राज चिन्ह में कोणार्क सूर्य मंदिर की घोड़े की मूर्ति? करेक्ट। सुपर। अक्षय, 9 प्रश्न का उत्तर दिया आपने, 90,000 पॉइंट जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, तालियां बच्चे रंग के लिए। जो आपका गलत हो गया था वो था इनमें से क्या एक प्रकार का सॉफ्टवेयर भी, आपने कहा था एंटीबॉडी, वो एंटीवायरस। हाँ ओके, वेल प्लेड अक्षय। तो गंजाम जी, हम आपको बधाई देते हैं कि आपके जो सुपुत्र हैं वो वाकई सुपुत्र हैं, और आपको बहुत गर्व होना चाहिए ऐसे बच्चे पर और सुपुत्र पर। सर ये अक्षय के बारे में क्या कहूँ, जो कुछ है सामने है, लेकिन मैं बहुत एक तरह से इस बीच का क्षण बहुत उतार चढ़ाव भी हुआ है, लेकिन मैं जो रिश्ता इसके साथ बनाता आ रहा हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत आगे मुझे बहुत हल्का करेगा। और ये आत्मनिर्भर बनेगा, मुझे बहुत खुशी है कि आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, ये एक अच्छा अच्छा बच्चा है, मुझे बहुत इस पर गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 3,20,000 पॉइंट्स आपने जीत लिए। आपके पास अभी तीनों लाइफलाइन जो है वो जीवित हैं, और आगे बढ़ने की संभावना जो है वो बहुत अच्छी लग रही है। अगला प्रश्न जो है ये है 11वां प्रश्न, 6,40,000 पॉइंट्स का। इसे खेलिएगा जरूर, क्योंकि ये लीस्ट रिस्क वाला होता है। अगर मान लीजिए ये गलत हो भी गया तो आप कुछ हारेंगे नहीं। 11वां प्रश्न, 6,40,000 पॉइंट्स, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। युवाओं के बीच मतदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के साथ साझेदारी में एक नई कॉमिक में इनमें से कौन दिखाई दे रहा है? Who among these seen in a new comic in partnership with the Election Commission of India to raise awareness about voting among youngsters? ऑप्शन सुनिए। ए नागराज, बी दोगा, सी चचा चौधरी, डी सुपर कमांडो ध्रुव। अच्छा हम आपको एक बात बता दें। यस सर। जरा सा भी आपके डाउट हो या संदेह हो, तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है, उनका उपयोग किया जा सकता है। अब बताइए क्या करें। सर थोड़ा सोचने दीजिए। हाँ सोच लीजिए। सर ऑडियंस पोल करना चाहेंगे, लाइफलाइन लेंगे। ओके कमिटी महाशय, अक्षय जो है एक लाइफलाइन लेंगे, ऑडियंस पोल की, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब।
सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है चचा चौधरी को 48%, ए को मिला है 36, बी को मिला है 12, डी को मिला है 4. क्या कीजिएगा? चाचा चौधरी ऑप्शन लॉक करूं या फिर ज्ञाना स्त्री उसको? चाचा चौधरी देखते हैं रिस्क नहीं है. ज्ञानास्त्र करेंगे आप? ऑडियंस पे भरोसा नहीं आपको? ऑलराइट, तय कर लिया आपने? यस सर. कबीर महाशय, ज्ञानास्त्र जो लाइफ लाइन है अक्षय जा रहे हैं, इसको भी अंकित कर दिया जाए. अब भाई साहब आपको बता दें, ज्ञानास्त्र का अर्थ है कि ये जो प्रश्न जाएगा पलटा जाएगा वो हम आपको बाद में बताते हैं अभी. लेकिन सबसे पहले, क्योंकि आपने ये लाइफलाइन ले लिया है, तो ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हमें बताना होगा. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी चाचा चौधरी. सी चाचा चौधरी पे ताला लगाया जाए. भाई साहब अगर आप खेलते तो ये सही होता और जनता जो थी सबसे ज्यादा प्रतिशत उन्होंने इसी को दिया था. आपने जनता पर भरोसा नहीं किया. खैर, इस कॉमिक बुक का नाम चाचा चौधरी और चुनावी दंगल है. कॉमिक को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा प्राण कॉमिक्स के साथ साझेदारी में सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था. ओके, अब भाई साहब ये तो प्रश्न हो गया. अब क्योंकि आपने ज्ञानास्त्र लिया हुआ है, तो एक और प्रश्न जो है ये पलट करके दूसरा प्रश्न आएगा. दो चीजें हैं. एक तो आपने यहां आने से पहले कहा था कि अगर आप ज्ञानास्त्र लेंगे तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा? Mythology. आपने कहा था माइथोलॉजी. yes, अब अगर आपको वो प्रश्न चाहिए तो आपको एक मंत्र पढ़ना होगा. वो आप मंत्र मालूम है आपको? yes, sir. बोलिए मंत्र. अल्टम शल्टम प्रश्नम पल्टम. प्रश्न को पलट दिया जाए. ये माइथोलॉजी के आधार पर आ गया. महाभारत के अनुसार इनमें से किसे भीम ने नहीं मारा था? According to the Mahabharat, who among these was not killed by Bhim? A. Jarasandh. B. Karna. C. Bakasur. D. Dushasan. Jarasandh, Karna, Bakasur, Dushasan. जरासंध. सर जरासंध और बकासुर में कंफ्यूज हो रहा हूँ. जरासंध, बकासुर, कर्ण. जरासंध, बकासुर. क्या करना चाहेंगे? अच्छा, पहले तो थोड़ा सोचूं. ओके. समझ नहीं आ रहा. ना समझ आ रहा हो तो आपके पास एक लाइफलाइन अभी भी बची. लाइफलाइन? हाँ, लाइफलाइन बची हुई है सर. लाइफलाइन. लाइफलाइन. ऑलराइट, आपकी बची हुई लाइफलाइन है आज दी एक्सपर्ट. कमिटी महाशय ऋषा अनिरुद्ध जी जो कि हमारी एक्सपर्ट है, उन्हें वीडियो कॉल लगाया जाए. ठहर जाए, इसके जरिए से करना पड़ेगा वीडियो कॉल टू ऋषा अनिरुद्ध जी. ऋषा जी प्रणाम करता हूं आपको. प्रश्न आ गया है आपके ऊपर जी. ये प्रश्न पर अटक गए, आपकी लाइफलाइन ली है एक्सपर्ट एडवाइस की. तो अक्षय जो है वो एक प्रश्न पढ़ेंगे. जैसे चार ऑप्शन है ए बी सी डी, आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है.
आपका समय शुरू होता अकॉर्डिंग टू द महाभारत हु अमंग दीज वॉज नॉट किल्ड बाई भीम ए बी कर्ण सी बकासुर डी दुशासन डरा दिया कर्ण क्योंकि कर्ण को अर्जुन ने मारा था सो बी कर्ण सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी कर्ण तो इन्होंने प्रश्न डाला उन्होंने कहा बी कर्ण कर्ण बी पे ताला लगा बिल्कुल सही बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋषा जी एक और सही उत्तर दे करके आपने अक्षय को 6,40,000 पॉइंट्स जितवा दिए हैं अक्षय अब आपके सामने आ गया है 12वां प्रश्न अगर आपको सही मालूम है उत्तर मालूम हो तो ही मैं आपको कहूंगा आप खेलें वरना आप क्विट कर सकते हैं 6,40,000 पॉइंट्स आप जीत रहे ओके यस सर 12वां प्रश्न 12,50,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा औसत मानव शरीर के कुल वजन का लगभग कितना प्रतिशत भाग रक्त से बना है अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज ह्यूमन्स बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ ब्लड ए 70-75% बी 48-50% सी 33-35% डी 7-8% 70-75% 48-50% 33-35% या 7-8% सही उत्तर मालूम हो तो ही मैं आपसे कहूंगा खेलने का आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं गलत हो गया तो अब आप 6:40 पे हैं हार जाएंगे 3:20 पे आ जाएंगे किसी भी समय आप ट्वीट भी कर सकते हैं 33 कोई आइडिया है सर डी लग रहा है थोड़ा 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 सी या डी में से कोई एक होना चाहिए ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि क्या है ये तो आप ही को बताना पड़ेगा सर इतना तो श्योर हूँ कि सी या डी में से होगा लेकिन सर क्विट करेंगे ओके ये आपका अंतिम निर्णय क्विट करेंगे ऑलराइट अक्षय अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें खेल को 6,40,000 पॉइंट जीत रहे हैं तालियां बजाएं उनके लिए और ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में आपका नाम आ गया अकाउंट नंबर आ गया ट्रांसफर नाउ दबाएंगे 6:40 1-2-3-4 ओके करेंगे कंफर्म करेंगे 6,40,000 पॉइंट आपके अकाउंट में चले जाए 18 वर्ष की उम्र में ये रुपये बन जाए बिल्कुल जल्दी आसान और सेफ तरीके राइट हमें अपनी जनता को इसका सही उत्तर बताना पड़ेगा किसी एक प्लीज लॉक ऑप्शन सी सी ऑप्शन सी कह रहे हैं इस पे ताला लगा जाए ये गलत होता सही है डी पहले मुझे डी पर आपका ध्यान गया था लेकिन आपने कंफर्म नहीं किया
7-8% डी। रक्त को मानव शरीर का लाइफ फ्लूइड कहा जाता है। रक्त के जरिए ही शरीर में न्यूट्रिएंट्स और सर्कुलेशन होता है और वेस्ट रिमूव होता है। मानव शरीर के कुल वजन का लगभग 7-8% भाग जो है वो रक्त होता है। 7-8% वेल प्लेड। तो सर एक हमारे पास एक सर्टिफिकेट है जो हम आपको देना चाहेंगे। हमारे साथ भाग लेने के लिए और खेलने के लिए ये सर्टिफिकेट आपको दिया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई आपका। ऑलराइट वेल प्लेड।